नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो 8 बड़ी खबरें जिनके बारे में बुलेटिन में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर संविधान दिवस समारोह की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। दूसरी खबर गुजरात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है, जहां आज बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। तीसरी खबर भी गुजरात से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में हुंकार भरते दिखाई देंगे। चौथी खबर भारत फ्रांस के वार्षिक रक्षा वार्ता से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आज फ्रांस के रक्षा मंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से अलग अलग मुलाकात करेंगे। पांचवी खबर किसानों से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए राकेश टिकैत ने किसानों से लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया है। छठी खबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ी है, जहां PSLV C54 मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सातवीं खबर 14 साल पहले हुए 26/11 हमले से जुड़ी हुई और आखिरी खबर लखनऊ से, जहां सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करने वाली है। गुजरात में बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है, ये संकल्प पत्र के जरिए पता चलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज संकल्प पत्र जारी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव के लिए और जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी ने इस बार घोषणा पत्र तैयार करने से पहले लोगों से उनके सुझाव भी मांगे थे, जिसके लिए पार्टी ने 5 नवम्बर को अग्रसर गुजरात नाम के अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करने वाली है। सुबह 10:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पर प्रमुख तौर पर फोकस करने वाली है, किन पर सबसे ज्यादा फोकस ने वाला है। और इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में रहेंगे, सीआर पाटिल वो भी साथ में रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे जेपी नड्डा जारी करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। और अब बात करते हैं बीजेपी के प्रचार की, जो कि प्रचंड रूप से चल रहा है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी के चाणक्य का मिशन गुजरात लगातार जारी है, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे यहां पर गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात के रण में सीएम योगी की हुंकार भी होगी। सोमनाथ मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव का पूरा मोर्चा खुद संभाला हुआ है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:30 बजे अमरेली, दोपहर 1:30 बजे तलाजा, 3 बजे भावनगर, शाम 5:30 बजे वडोदरा और रात 8:30 बजे अहमदाबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 बजे रोड शो और 3 जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आज सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज हार्दिक पटेल के लिए
चुनावी रोड शो करने वाले हैं। तो गुजरात के रण में सीएम योगी भी हुंकार भरेंगे, हार्दिक पटेल के लिए यहां पर रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब संविधान दिवस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। ई कोर्ट परियोजनाओं के तहत नई पहल की गई है, जस्टिस मोबाइल और डिजिटल कोर्ट ऐप की भी इस दौरान शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित इस समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के और भी कई सीनियर जज मौजूद रहेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक और जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री लेकॉर्निको की भारत यात्रा से जुड़ी यह बड़ी खबर। आज से भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता शुरू हो रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें सह अध्यक्षता करने वाले हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा संभव मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ राजधानी दिल्ली में अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। इस दौरान राफेल के भविष्य के सौदे, सामरिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंध समेत कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की पहली भारत यात्रा है, जिस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। फ्रांस भारत के साथ 1998 से रणनीतिक साझेदार है और दोनों ही देश की रक्षा के मुद्दे पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान नेता राकेश टिकैत। लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। लखनऊ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, सभी किसानों से लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया गया है। महापंचायत को अन्य पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार होने की बात कही है। दरअसल कुछ दिन पहले चंदौली में हुई किसान मजदूर महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर को किसानों से लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया। इसके बाद लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार लोगों के खिलाफ तानाशाह रवैया अपना रही है, किसानों के लिए मोदी सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं एमएसपी के मुद्दे को लेकर भी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि इस महापंचायत में और भी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से भारी तादाद में किसान लखनऊ पहुंच रहे हैं। और अब इसरो की नई उड़ान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इसरो के नाम एक और उपलब्धि दर्ज होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इसरो लॉन्च करेगा ओशियन सेट 3 PSLV C54 मिशन के लिए। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसरो लॉन्च करेगा 8 नैनो सैटेलाइट। भारतीय
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज सुबह 11:56 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 ओशन सेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। आपको बता दें कि लॉन्चिंग PSLV-XL रॉकेट से की जाएगी। इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ओशन सेट के अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट है भूटान सेट। भूटान सेट यानी इंडिया भूटान का जॉइंट सैटेलाइट, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और नैनो सैटेलाइट है। दरअसल इसरो ने भूटान के वैज्ञानिकों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। वहीं ये पूरा मिशन लगभग 8,200 सेकेंड यानी 2 घंटे 20 मिनट तक चलेगा। तो इसरो के नाम एक और उपलब्धि दर्ज होने वाली है। ओशन सेट 3 आज इसरो लॉन्च करने वाला है PSLV-C54 मिशन के लिए। अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। 8 नैनो सैटेलाइट भी इस दौरान इसरो की ओर से लॉन्च की जाएगी, यानी एक और बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम आज जुड़ जाएगी। PSLV-C54 मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ना भूले हैं ना भूलेंगे। जी हाँ, 26/11 हमले की आज 14वीं बरसी है। 26/11 की रात मुंबई में कई आतंकी हमले हुए थे और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आपको याद होगा 50 घंटे से ज्यादा तक मुठभेड़ चली थी मुंबई के ताज होटल में। 150 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी और UNSC में भी 26/11 अटैक का मुद्दा उठाया गया था। और आज मुंबई में हुए 26/11 हमले के 14 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस हमले की बात करते हैं तो दिल दहल जाता है। जब आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला था, आतंकियों ने उस रात मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 50 घंटे से ज्यादा तक मुठभेड़ चली थी और इसीलिए देशवासियों के लिए उस रात को भूलना इतना आसान नहीं है। और अगर देखा जाए तो यह आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे। वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बता दें कि इस साल अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को वैश्विक आतंकी के रूप में सूचीबद्ध करने का मुद्दा उठाया था। और इस दौरान गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमले की साजिश रचने वालों में से एक साजिद मीर का ऑडियो क्लिप भी जारी किया था। छब्बीस ग्यारह हमले के 14 साल पूरे हो चुके हैं और यह हमला मुंबई के ताज होटल में किया गया था, जिसमें आतंकी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 50 घंटे से ज्यादा ये प्रेस को मुठभेड़ चली थी। उधर लखनऊ में अहले बैत की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर जुटेंगे कई धर्मगुरु। कॉन्फ्रेंस में देश भर से शिया धर्मगुरु इसमें शामिल होने वाले हैं सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है राजधानी लखनऊ में। आज अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिस दौरान सभी धर्मगुरु आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आएंगे। कॉन्फ्रेंस में देश भर के शिया धर्म गुरु शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। बता दें कि ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लखनऊ के नखास में आयोजित में मौजूद शिया कॉलेज में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बैठक में आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास पर चर्चा की जाएगी। बहुत बड़ी खबर, आतंकवाद के खिलाफ आज कई धर्मगुरु एक साथ एकजुट होंगे और यहां से सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बातचीत की जाएगी। उसको बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।
तो आज बड़ी खबरों में इतना ही, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, ओंकारेश्वर में राहुल और प्रियंका ने नर्मदा की आरती की है। बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिला है बहन प्रियंका गांधी का साथ, राहुल गांधी संग कदम ताल करती नजर आई प्रियंका गांधी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 राज्य ऐसे होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची है, जहां प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया और भाई राहुल गांधी का साथ दिया। आज प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का चौथा और आखिरी दिन है। बता दें कि 5 सितंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने से मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस का फोकस रूट की उन 16 विधानसभा सीटों पर है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इसी साल कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कल प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खंडवा में भगवान श्री ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन किए और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बहन प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आ रही हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का चौथा और आखिरी दिन है, जहां उन्होंने देर रात ओंकारेश्वर महादेव और मां नर्मदा की पूजा अर्चना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में खड़गे हुंकार भरने वाले हैं। 26 और 28 नवंबर को गुजरात में प्रचार करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कई चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। 27 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 26 और 28 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा संबोधित करेंगे और 28 नवंबर को वो गांधीनगर में भी एक जनसभा संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी भी गुजरात के चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे।